हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि हमने कहा था कि BSc फर्स्ट सेमेस्टर के छात्रों के लिए हम नियमित वीडियो लेकर आएंगे, तो मैथमेटिक्स के फर्स्ट लेक्चर को आज हम लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत हमने ये कहा था कि BSc फर्स्ट सेमेस्टर के मैथमेटिक्स में डिफरेंशियल कैलकुलस को लिया गया है। और उसमें जो पहला चैप्टर हमारा शुरुआत होता है वो है लिमिट और कंटिन्यूटी। ये लिमिट और कंटिन्यूटी चैप्टर, जिसे हम हिंदी में सीमा और सतत्ता कहते हैं, इसके विषय में इंटरमीडिएट में भी जिक्र किया गया है, उसमें भी हमने इसके विषय में पढ़ा है, लेकिन वहां पर हमको ये डिफिकल्ट लगता था। इंटरमीडिएट के स्टूडेंट भी इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद अवकलन स्टार्ट होता है, ये हमको थोड़ा कठिन लगता है, जिसके कारण हम अवकलन से उसमें स्टार्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम इसके कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझेंगे कि कंटिन्यूटी क्या है, लिमिट क्या है, इसको अच्छे से समझेंगे। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, सतत्ता का मतलब क्या होता है। कंटिन्यूटी को हिंदी में सतत्ता कहते हैं। सतत्ता का मतलब होता है सतत, अर्थात किसी ग्राफ को यदि हम खींचें तो ये कहीं से ब्रेक ना हो, अर्थात इसको खींचने के लिए हमें पिन को कहीं भी उठाना ना पड़े, तो इसको हम कहेंगे कि ये ग्राफ कंटिन्यूअस है, अर्थात सतत है। और यदि किसी ग्राफ को खींचने के लिए हमें पेन को उठाना पड़े इस तरीके से, तो हम ये कहेंगे कि ये ग्राफ सतत नहीं है, अर्थात नॉन कंटिन्यूअस है। तो ये एक बेसिक डिफिनीशन हो गई सतत और असतत को पहचानने के लिए, कंटिन्यूअस और नॉन कंटिन्यूअस को पहचानने के लिए। अब हम कुछ ग्राफ का एग्जांपल लेकर चलते हैं, कुछ फंक्शन लेकर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे उसमें हम कंटिन्यूटी और नॉन कंटिन्यूटी दिखाते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे हम मान लेते हैं एक फंक्शन हमने लिया fx = x, एक फंक्शन हम लेते हैं fx = x और इसको हम खींच कर देखते हैं कि क्या यह कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो इसको खींचने के लिए हमने कक्षा 10 में भी पढ़ा था इसके विषय में कि किसी फंक्शन के ग्राफ को xy प्लेन पर कैसे खींचते हैं। तो इसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें एक तरफ fx लेकर चलते हैं और दूसरी तरफ x लेकर चलते हैं। जब हमने x = 1 माना तो fx की भी वैल्यू हमको क्या मिलेगी, 1, क्योंकि fx = x माना, तो जो हम x की वैल्यू लेते जाएंगे वही हमको fx की वैल्यू मिलती जाएगी, 3 लिया तो 3। अब इसको जब हम xy प्लेन पर खींचेंगे तो ये इसका मूल बिंदु होता है, ये इसका मूल बिंदु है। अब x की वैल्यू इधर रखेंगे, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, सब पॉजिटिव वैल्यू हम ले रहे हैं, तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखा तो fx का मान भी क्या है, 1, अर्थात ये पॉइंट हमको ऐसे मिलेगा x = 1, y = 1 पर। जब x = 2 लेते हैं तो fx का मान भी हमको 2 मिलता है, 3 लेंगे तो 3। अब जब इसको हम खींचेंगे तो हमको एक स्ट्रेट लाइन ऐसी प्राप्त होगी। अब हम ये कहेंगे कि क्या ये सतत है, तो बिल्कुल सतत है, क्योंकि इस लाइन को खींचने के लिए हमें कहीं पर भी पेन को उठाना नहीं पड़ा। अब एक एग्जांपल और हम लेकर चलते हैं, जैसे मान लीजिए दूसरा फंक्शन है fx = x², इसको देखते हैं कि क्या ये सतत है या नहीं। तो इसको खींचने के लिए xy प्लेन पर हमने इसको खींच दिया तो हमको ग्राफ ऐसे मिलेगा। अब आप कहेंगे कि ये ग्राफ कैसे मिला, तो इसको हमने इंटर में भी पढ़ा था कि fx = 4ax² इस टाइप का, अर्थात y = 4ax², जिसमें एक तरफ x^2 हो और एक तरफ सिंगल घात हो, एक तरफ डबल घात हो, एक तरफ सिंगल घात हो। तो ये हमारा पैराबोला का इक्वेशन होता था, ये पैराबोला का इक्वेशन होता था। यहां पर x² है और इधर y सिंगल घात का है, तो जब इसको हम ड्रा करेंगे तो हमको ये ग्राफ ऐसे मिलेगा y डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में। अब हम ये कहें कि ये सतत है या नहीं, तो ये भी सतत है, क्योंकि इसको भी खींचने के लिए हमें कहीं पर भी पेन को उठाना नहीं पड़ा, तो ये ग्राफ भी क्या है, सतत। अब चलिए तीसरा एग्जाम्पल लेकर हम देख लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल हम लेकर चलते हैं fx = mod of x।
मॉड ऑफ एक्स का मतलब एफ एक्स की वैल्यू सदैव हमको धनात्मक मिलनी चाहिए। और इसको अगर डिफिनेशन के तौर पर लिखें तो इसका डिफिनेशन ये होता है, जब एक्स की वैल्यू हम जीरो से लेस लेते हैं तो हमें मॉड ऑफ एक्स का मान, यहाँ एफ एक्स का मान माइनस, जब एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी लेंगे तो यहाँ एक्स क्या रहेगा, पॉजिटिव। ये मॉड ऑफ एक्स का डिफिनेशन है, जब एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी लेंगे तो एक्स भी क्या हो जाएगा, निगेटिव, तो दोनों निगेटिव मिलकर पॉजिटिव देंगे, अलो हमको सदैव प्लस में मिलेगी। जब एक्स की वैल्यू हमने जीरो से छोटी लिया तो जीरो से छोटी संख्या क्या होती है, माइनस में, और यहाँ एक्स भी माइनस में रहेगा इसलिए इसका मान भी क्या होगा, प्लस, और प्लस लेंगे तब भी प्लस है, तो दोनों ही केस में हमको जो एफ एक्स का मान मिलेगा वो प्लस मिलेगा। अब इसका हम ग्राफ अगर खींचे, इसको जब हम खींचते हैं, जब x की वैल्यू हम माइनस एक्स ले रहे हैं अर्थात इसके निगेटिव डायरेक्शन में आ रहे हैं, तब भी हमको एफ एक्स वैल्यू क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी, धनात्मक, तो हमको जो ग्राफ मिलेगा वो ऐसे मिलेगा। और जब x की वैल्यू हम पॉजिटिव ले रहे हैं तब भी हमको एफ एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, पॉजिटिव ही मिलेगी, तो इसका ग्राफ हमको ऐसे मिलेगा। अब ये देखते हैं कि क्या ये सतत है, तो ये भी सतत है क्योंकि इसको भी खींचने के लिए हमको पेन को कहीं पर भी उठाना नहीं पड़ा। तो ये तीनों फंक्शन जो हमने एग्जांपल के रूप में लिया, एफ एक्स इक्वल एक्स, मार ऑफ एक्स और एफ एक्स इक्वल एक्स और एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर, ये सभी फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, जिसको ग्राफ के माध्यम से हमने खींचकर दिखा दिया है कि इनका ग्राफ खींचते हैं तो कहीं पर भी ब्रेक नहीं होता, अर्थात खींचने के लिए हमें कहीं भी पेन को उठाना नहीं पड़ता है, तो इसलिए ये सतत है। चलिए अब देख लेते हैं कि नॉन कंटिन्यूअस असतत क्या होता है और इसका ग्राफ कैसे होता है। नॉन कंटिन्यूअस इसके लिए एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, एफ एक्स इक्वल वन, जब x की वैल्यू हम जीरो से छोटी लेते हैं या जीरो के बराबर लेते हैं, और एफ एक्स का मान हमको टू मिलता है जब x का मान जीरो से बड़ा लेते हैं। अब जब इसका ग्राफ हम खींचते हैं जी, एक एक्स वाई तल है, जब x की वैल्यू हमने जीरो से छोटी लिया या जीरो लिया तो हमको एफ एक्स का मान सदैव कितना मिला, वन, तो एफ एक्स की वैल्यू यहां जीरो से लेकर के जीरो से छोटी ले रहे हैं, तो अर्थात एक्स अक्ष पे हम बाई तरफ आएंगे, जीरो से लेकर के बाई तरफ, तो हर एक मान पे जीरो से लेकर सभी निगेटिव वैल्यू के लिए हमको एफ एक्स का मान सदैव क्या मिलेगा, वन, तो इसका ग्राफ हमको ऐसे मिलेगा जी। और x की वैल्यू जब जीरो से बड़ी होती है तो एफ एक्स का मान हमको हमेशा कितना मिलता है, टू, x की वैल्यू जब हम जीरो से बड़ी लेते हैं, जीरो को छोड़ करके जीरो से बड़ी x अक्ष के धनात्मक दिशा में, तो यहाँ एक हम नोड बना देते हैं, इसका मतलब यह है कि हमको ये जीरो को शामिल नहीं करना है, और इसके बाद यहां से हम x अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन में चलते हैं और एफ एक्स का मान क्या है, टू लेकर के, मान लेते हैं यहाँ वन हमको मिला है, यहाँ टू मिला है। अब ये रेखा कंटिन्यूअस नहीं है, ये जो फंक्शन हमने खींचा है ये कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि इसको खींचने के लिए हमको पेन उठाना पड़ा, पहले हम यहां से यहां तक खींचे और फिर यहां से यहां तक, तो हम कहेंगे कि एफ एक्स इक्वल वन, एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू जीरो, और एफ एक्स इक्वल टू आता है एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। इसी प्रकार एक एग्जांपल और हम लेकर दिखाते हैं, मान लीजिए कोई फंक्शन इस प्रकार है, एफ एक्स इक्वल वन, एक्स इज लेस देन जीरो के लिए, टू, एक्स इज इक्वल टू जीरो के लिए, और थ्री, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो के लिए, तो इसको भी जब हम एक्स वाई प्लेन पर खींचेंगे तो इसके लिए भी हमें पेन को उठाना पड़ेगा और ये भी कंटिन्यूअस नहीं होगा।
तो इस प्रकार हमने कंटिन्यूटी को अच्छे तरीके से समझ लिया कि कंटिन्यूटी क्या होता है और नॉन कंटिन्यूटी क्या होता है और ग्राफ में कैसे इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अब हम एक अच्छे डिफिनेशन समझने चल रहे हैं कि लिमिट क्या होता है। लिमिट लिमिट को समझने के लिए एक उदाहरण हम लेकर चलेंगे। जैसे हमने मान लिया कि लिमिट एक्स टेंड्स टू वन एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, ये फंक्शन हम लेकर चलते हैं। अब यदि हम x की वैल्यू 1 रखें तो हमको 0/0 का फॉर्म मिलेगा। x इक्वल 1 यहां रखेंगे तो 1-1=0, 1-1=0, तो 0/0 का फॉर्म मिलेगा जो कि इनवैलिड है, इसे स्वीकार नहीं किया गया कि किसी भी लिमिट की वैल्यू किसी भी फंक्शन का लिमिट मान हमको ये मिल सकता है, ये इनवैलिड है, इसे हम नहीं मानते हैं। तो x की वैल्यू पूरी तरीके से 1 ना लेकर के हम x टेंड्स टू 1 लेते हैं। टेंड्स टू 1 का मतलब है कि x की वैल्यू 1 ना लेकर के 1 के आसपास की कोई वैल्यू ले, जैसे x बराबर हम ले लें 0.99 या x बराबर ले लें 0.98 या x बराबर ले लें 0.97, तो इस प्रकार की वैल्यू हम सिलेक्ट करते हैं, 1 ना हो बल्कि 1 के आसपास की कोई वैल्यू हो। तो जब उस पर हम इसकी लिमिट निकालेंगे तो इसका जो मान होगा वो अप्रॉक्सिमेटली 2 की ओर टेंड्स करेगा, पूरा 2 नहीं होगा लेकिन 2 की ओर जाएगा। जब हम x की वैल्यू 1 की ओर लेकर जाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या है, 2 की ओर जाएगा। कैसे निकला, इसमें हम यही करेंगे कि x square minus 1 को x plus 1 लिख सकते हैं और नीचे x-1 ये कट जाएगा और हमको जो इसकी वैल्यू मिलेगी वो लगभग 2 की ओर जाती हुई मिलेगी। तो इस प्रकार हमने देखा कि इस फंक्शन में जब x की वैल्यू 1 की ओर टेंड्स करती है तो fx की वैल्यू 2 की ओर टेंड्स करती थी, जब x की वैल्यू 1 की ओर जा रही है तो fx की वैल्यू क्या है, 2 की ओर जा रही है। तो हम लिमिट और कंटिन्यूटी क्या होता है इसको समझ गए हैं। अब बीएससी के सिलेबस में जो हमको डिफिनेशन लिखना होता है डिफिनेशन के तौर पर, उसको देखते हैं कि करेक्ट डिफिनेशन क्या लिखी जाती है। अगर आ जाए कि कंटिन्यूटी को डिफाइन कीजिए तो उसकी डिफिनेशन हम क्या लिखेंगे इसको देखते हैं। पहले हम लिखेंगे लिमिट की डिफिनेशन। अब हम लिमिट की डिफिनेशन को देखते हैं कि करेक्टली कैसे लिखेंगे। तो लिमिट की डिफिनेशन ये होती है कि लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन सम नाइबरहुड ऑफ ए पॉइंट एक्स इक्वल ए। लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन सम नाइबरहुड ऑफ ए पॉइंट एक्स इक्वल ए। नाइबरहुड का मतलब पड़ोसी, आसपास। एक्स इक्वल ए के करेक्ट हमको नहीं लेना है, इसके आसपास का कोई पॉइंट लेना है। जैसे कभी एग्जांपल के तौर पे हमने दिखाया था कि 1 को अगर लेना है तो 0.9798 इस प्रकार से लेकर चलते हैं। तो नाइबरहुड का मतलब यही होता है कि एक्स इक्वल ए ना लेके इसके आसपास का बिल्कुल क्लोजली कोई पॉइंट हमको लेकर चलना है। तब देन देयर एग्जिस्ट ए नंबर एल, तब हमको एक नंबर एल मिलेगा और उसे इज सेफ टू बी द लिमिट ऑफ एफेक्स, ये एफेक्स की लिमिट कहलाएगी एट एक्स इक्वल ए इफ फॉर ईच पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन। एप्सिलॉन एक बहुत छोटा नंबर है। देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर डेल्टा सच दैट 0 इज लेस देन मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, अर्थात एक्स माइनस ए में बहुत थोड़ा अंतर है, जो हम एक्स का चयन करते हैं वो ए के ही आसपास का कोई नंबर है और दोनों में डिफरेंस निकालेंगे तो बहुत छोटा डिफरेंस रहेगा। तो एफेक्स और एल में भी बहुत छोटा डिफरेंस रहेगा, एप्सिलॉन से उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। एप्सिलॉन का मान डेल्टा पर निर्भर करेगा और डेल्टा का मान एप्सिलॉन पर निर्भर करेगा, या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफेक्स इक्वल एल। एक बार फिर हम डेफिनेशन देखते हैं कि लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन सम नाइबरहुड ऑफ ए पॉइंट एक्स इक्वल ए।
fx यदि सम नाइबरहुड ऑफ ए पॉइंट x इक्वल टू डिफाइंड है देन देयर एग्जिस्ट ए नंबर l इज सेड टू बी द लिमिट ऑफ fx एट x इक्वल ए इफ फॉर ईच पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर डेल्टा सच दैट x माइनस ए जीरो से डेल्टा के बीच लाई करता है तो fx माइनस l एप्सिलॉन के बीच लाई करेगा और लिमिट x टेंड्स टू ए fx इक्वल l. तो ये लिमिट की करेक्ट डेफिनेशन है जिसे हमें बीएससी के पेपर में क्वेश्चन में आता है डेफिनेशन लिखने के लिए, तो हम इस प्रकार से पूरा डेफिनेशन लिखेंगे. आप चलिए देख लेते हैं कि कंटिन्यूटी की डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे. कंटिन्यूटी चलिए अब देख लेते हैं कि कंटिन्यूटी की डिफिनीशन को हम एग्जाम के कॉपी में कैसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ बीएससी का हम पेपर देंगे तो इसके डिफिनीशन भी इस प्रकार से लिखेंगे कि थोड़ा अच्छा लगे देखने में. और यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि कोई भी डिफिनीशन हमें हिंदी में नहीं लिखना, भले हिंदी में समझे, हिंदी में पढ़े, सब कुछ करें, लेकिन वहां हमको इंग्लिश में ही लिखने का अभ्यास करना है. तो यहाँ कंटिन्यूटी की जो डिफिनीशन है इसके डिफिनेशन में एक बार समझते हैं. जो हमने बताया है बेस वही है, लिखने का तरीका थोड़ा हमें समझना है. ए फंक्शन fx इज सेड टू बी द कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट x इक्वल ए. किसी भी फंक्शन का, किसी भी ग्राफ का हमको कंटिन्यूटी किसी पॉइंट पे कैसे चेक करना. मान लीजिए कोई ये एक पॉइंट है ए जिस पर हमें इस फंक्शन fx की कंटिन्यूटी को चेक करना है, तो इसके अगल बगल का थोड़ा पहले या थोड़ा बाद का हम पॉइंट सिलेक्ट कर लेंगे और वहां पर ग्राफ हम खींच कर देखेंगे कि फंक्शन कहीं ब्रेक तो नहीं हो रहा है. तो वही इस डेफिनेशन में लिखा गया है कि ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी द कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट एक्स इक्वल ए. इस एक्स इक्वल ए पे कंटिन्यूअस होगा इफ फॉर ईच पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन. प्रत्येक पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन के लिए, एप्सिलॉन बहुत ही छोटा नंबर है, बहुत ही छोटा अंतर है. देयर एग्जिस्ट, ये देयर एग्जिस्ट का निशान है जो उल्टा ई लग रहा है, इसको कहते हैं देयर एग्जिस्ट. देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर डेल्टा, ये भी बहुत छोटा नंबर है, सच दैट एक्स माइनस ए का मॉड डेल्टा से लेस है. और ये जीरो से बड़ा तो होता ही है. एक्स माइनस ए का मतलब ए से थोड़ा छोटा या ए से थोड़ा बड़ा लेंगे, जो बहुत ही छोटा अंतर है अर्थात डेल्टा से छोटा है. तो एफ एक्स माइनस एफ ए की जो वैल्यू मिलेगी उसमें भी बिल्कुल थोड़ा अंतर रहेगा एप्सिलॉन. तो x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा देन मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन. इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं कि हमारा जो x का मान है ये a माइनस डेल्टा अर्थात a से थोड़ा पहले, a प्लस डेल्टा a से थोड़ा बाद, ये डेल्टा बहुत छोटा अंतर है का जो नंबर है उसी के बीच में ये x लाई करता है. तो एफ एक्स की जो वैल्यू हमको मिलेगी वो एफ ए माइनस एप्सिलॉन एफ ए प्लस एप्सिलॉन का मिलेगी, मतलब एफ एक्स में भी बहुत थोड़ा अंतर रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा, ये भी कहीं ब्रेक नहीं होगा. तो फिर हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन एफ एक्स है ये एक्स इक्वल ए पर कंटिन्यूअस है. एक बार फिर डेफिनेशन को समझते हैं कि ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी द कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट एक्स इक्वल ए इफ फॉर ईच पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट ए नंबर डेल्टा सच दैट जीरो टू डेल्टा के बीच एक्स माइनस ए मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लाई करता है देन मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन या एक्स की वैल्यू बिलोंग करेगी ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा के बीच. तो एफ एक्स की वैल्यू बिलोंग करेगी एफ ए माइनस एप्सिलॉन और एफ ए प्लस एप्सिलॉन के बीच. ये इसकी करेक्टली डिफिनीशन है कंटिन्यूटी की. तो आज हमने लिमिट और कंटिन्यूटी के डिफिनेशन को अच्छी तरीके से समझ लिया है. यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं और यदि आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो हम नियमित इसके वीडियो लेकर आएंगे और आपको बेहतर से बेहतर समझाने का प्रयास करेंगे. इसके बाद हम अगले वीडियो में इसी लिमिट और कंटिन्यूटी पर आधारित कुछ विशेष क्वेश्चन को लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं. धन्यवाद.